मिश्रा जी, आपका ये जो केस है ना, बहुत कमजोर है, क्योंकि आप खुद ही आपका सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है। हम आपका केस नहीं लड़ पाएंगे। हाँ, आपसे हमारे पुराने संबंध है, तो आपके खाने खर्चे के लिए ना किसी से बात करके आपको लोन दिला सकते हैं। अरे, हमरे टुकड़े पर पलने वाला आज हमें दया दिखा रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे छोड़िए हमें, अरे आप गलत कर रहे हैं। गुड्डू भैया, बीबी का हाई कर रहे हैं आप अपना। अरे शहर में कोई कमी है क्या वकील की? अरे छोड़ो, मैं गुड्डू भैया। क्या बात है लाली, कुछ पता लगा जावा बाबू किधर रो रहा है? हाँ मम्मी, लक्की विकी को भेजा है, पता लगा के आते ही होंगे। हेलो। हेलो मैडम जी, आपने जैसे कहा था ना वैसे ही हुआ। गुड्डू जी हमारे यहाँ आए थे, हम ऑफिस में नहीं मिले तो सीधा हमारे घर पर ही आ बैठे। उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है मैडम जी, गुस्से में आकर गिरेबान पकड़ लिए। बड़ी मुश्किल से हमारी जान बचाई मैडम जी। बहुत अच्छी खबर दी है आपने वकील साहब, दिल खुश कर दिया, थैंक यू। आगे बताइए फिर क्या करें। अरे सबर कीजिए वकील साहब, वक्त आने पर हम आपको सब बता देंगे कि आगे क्या करना है, ठीक है? ओके मैडम जी। मम्मी, गुड्डू जी अपना बिजनेस और प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए जल बिन मछली की तरह तड़प रहे। देखना बहुत जल्द थक हार कर वो अपनी ललिता के पास वापस आ जाएंगे। सत्ती, अच्छा तो ये झोरी मोहल्ले में रहती है, लेकिन इस बार घर अलग है। मतलब ये लोग यहीं रहते हैं, इसी इलाके में रहने के लायक हैसियत है इन लोगों की। चलो अच्छा हुआ शालू का पीछा करके कुछ तो फायदा हुआ। अब बहुत जल्दी इन लोगों को इस घर से भी बेघर होना होगा, तभी डैड के घर वापस आने का चांस बनेगा। चल देखते हैं। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे हाथ हटाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दीदी को हाथ लगाने की? और हमारे मोहल्ले में क्या कर रहे हो? हाँ लगता है जेल में तुम्हारी खातिरदारी हुई नहीं अच्छे से। अरे खातिरदारी तो हम तुम्हारी करेंगे अच्छे से, बहुत सारे पुराने हिसाब जो बाकी है। बुलबुल इन सब लोगों की मुंह मत लग, तू चल यहाँ से। आज तो सारा हिसाब बराबर करूंगा तुझसे। कॉलेज की मारपीट से लेकर उस विशेष के साथ मिलकर हमें जेल भिजवाने तक। ये मेरे भाई पे हाथ कैसे लगाया? बोल तुम जाओ।